बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स ये आज ही पेपर हुआ है, ईटा के ज़रिए कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है जो कि CNW डिपार्टमेंट के लिए हुआ है। तो इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, इसको हम पार्ट वाइजली हल करेंगे। तो सबसे पहले ये इसका पार्ट वन है, बाकी इसके अलावा ईटा के जितने भी पेपर मुझे मिल चुके हैं उन सारों के मैंने ऑलरेडी हल कर चुका हूं और उसके लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन से हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि देश वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स, यानी वो कौन सा एशियन कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक गेम को होस्ट किया। तो ये जापान, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है कि जूड बोलने वाले की बदबू से देश एक मील दूर चला जाता है फरिश्ता। जूड जब कोई बोलता है तो फरिश्ता जो है एक मील दूर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेरिएबल नेम दैट इज यूज्ड बाय अ फंक्शन टू रिसीव पास्ट वैल्यूज, तो ये कौन सा है, ये पैरामीटर होता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। C++ के बहुत ज़्यादा MCQs इसमें आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर फोर है कि द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू, तो ये किस चीज़ को रेफर्स करता है। तो चार का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एसेबिलिटी ऑफ वेरिएबल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज गेट या GET, व्हाट इज GET। तो GET का जो करेक्ट आंसर है कि GET क्या है, ऑप्शन सी को देखते हैं, अ प्रोटोकॉल दैट अपलोड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर इन प्लेन टेक्स्ट दैट कैन बी इंटरसेप्टेड, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं कि विच टाइप ऑफ अ फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए क्लास बट कैन एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर्स, तो ये क्या चीज़ होता है, ये फ्रेंड होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ C++ रिलेशनल ऑपरेशन, तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ये इसमें नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है के विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो ये क्या चीज़ होता है, ये प्लस होता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर क्वेश्चन है के वन एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप इज नाउन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इल्टरेशन कहते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि ए सून एज, ये अंडरलाइन वर्ड है, ही गॉट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन अ टैक्सी, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये एक कंजक्शन है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का कौमी खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दे आर प्लानिंग टू अरेंज अ डेश ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन देयर कॉलेज, तो 3 डेज, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्पोरस स्ट्रेट इज लोकेटेड इन, तो ये कहां पर है, ये तुर्की में है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इबादत के लागवी मानी क्या है, यानी बंदगी करना, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन SQL विच बिल्ट इन फंक्शन इज यूज टू कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, तो ये एवरेज AVG, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इस पेज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द ट्रेडिंग मॉडल सपोर्टेड बाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ये क्या होता है, 1-to-1 होता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड मिस्टेक हो गई हो तो हमारी करेक्शन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी करेक्शन मैं करूँगा।
हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट का मैं अभी अपलोड करूंगा, हमारे साथ रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।